इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड के लेकर एंड प्रॉफिट बुकिंग को लेकर, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड, सबसे पहली बात कि रिस्क रिवॉर्ड हमें कितना फेवरेबल है, कौन से ट्रेड को हमें लेना चाहिए, कौन से ट्रेड को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको जो भी स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर, इसमें एक बात याद रखना कि रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी 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 फेवरेबल हो जाता है, ठीक है। कैसे फेवरेबल हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्रेंड लाइन है, मान लो कि हम हमारे एंट्री पॉइंट ये है, ठीक है। आपको आगे समझाऊंगा लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो अगर ये हमारे एंट्री पॉइंट है तो यूजुअली जो केसेस होते हैं ना, हमारा स्टॉप लॉस इसके बहुत पास में, हमें यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, वो लॉजिक नहीं करना है काफी नीचे, नहीं। मैं कौन से ऐसे देता हूँ जहां पर आपको स्टॉप लॉस या तो एकदम इसके बगल में मिलेगा, ठीक है, 2-3 रुपए ऊपर, डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक्स हम लिए हैं। यूजुअली मैं 2000 के ऊपर वाला स्टॉक प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो वहां पर 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस हम लेकर चलेंगे भी तो काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बनता है हमारे यहाँ पे, या फिर जो है थोड़ा इससे कोई स्विंग लो के पास आसपास। तो देख लीजिए आप किस तरह के ट्रेड आप ले रहे हो उसके अंदर। तो ऑलवेज जो है ना, हमारा जो ये सेटअप है इसके अंदर आपको छोटा स्टॉप लॉस ही मिलेगा, ठीक है। अब छोटा स्टॉप लॉस मिला, चलो समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट जो बात उठ के आती है कि टारगेट कितना रखें। तो पहली बात, हमेशा एक बात याद रखना कि अगर आप न्यू हो तो आपके लिए इंट्राडे में 0.7%, ठीक है, 0.7%। और जब एक बार आपको 0.7% के अंदर कन्विक्शन मिल जाएगा तो आप फिर जा सकते हो 1% के लिए। ये बात को आपको हमेशा याद रखना है, पहले 0.7 के लिए जाओ, फिर उसके बाद 1% के लिए जाओ, एंड देन आप इस चीज को बढ़ाकर 2%, 3%, 4% या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हो। सीधे अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप सीधे ग्रामर लेकर नहीं बैठते हो, पहले आप ABCD से स्टार्ट करते हो। ABCD होने के बाद आप जो है वर्ड्स फॉर्मेशन सीखते हो, ठीक है, वर्ड्स किस चीज को क्या बोलते हैं, एंड देन वी प्रोसीड अहेड, दिस इज राम, दिस इज श्याम। उसके बाद हम जो है इंग्लिश जो है हायर लेवल का सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ये चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, या क्रिकेट हो, या कोई भी फील्ड में हो, ठीक है। ज्वाइनिंग भी हम करते हैं तो एज अ ट्रेनी या एसोसिएट ही करते हैं। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि आप अगर 50 साल से भी मार्केट में हो और प्रॉफिटेबल नहीं हो, यू हैव टू स्टार्ट विथ 0.7% प्रॉफिट, ठीक है। 0.7% मिल गया आपको, 0.7% मतलब क्या आप बोलोगे, तो मान लीजिए कि आपका 10 रुपए का ये स्टॉप लॉस है, तो 0.7 ऊपर की तरफ 7 रुपए पे आप प्रॉफिट बुक कर लोगे, ठीक है। 10 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस है तो ये 1:1 से भी कम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 7 रुपए पे आप स्टॉप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे, 0.7% पे बुक कर लोगे। वो हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड से आपको जो है अपने पोजीशन बनाने हैं। अब बोलोगे यार 7 पॉइंट क्या क्या सर, आप इतना ये करके और उम्मीद, मतलब उम्मीद दे के आप इतनी छोटी चीज़ सिखा रहे हो, नहीं। आपको जो मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले इसको मास्टरी, जब तक इसको मास्टरी, जब तक ABCD बोलना नहीं आएगा, जब तक बैट पकड़ना नहीं आएगा, आप सिक्स नहीं मार सकते, या आप सेंचुरी नहीं मार सकते, या डबल सेंचुरी नहीं मार सकते। पहले बैट पकड़ना सीखो, ठीक है। अब आपका ईगो भी जो है ना इस सब चीज़ों में बीच में आएगा, यार मैं तो 45 साल का हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मैं 20 ईयर्स, आई हैव डन MBA, मैं तो PhD किया हूँ, ठीक है। आपने MBA PhD कुछ भी किया है, वो आपके फील्ड में किया है, स्टॉक मार्केट में नहीं किया, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने MBA किया हुआ है तो मुझे टीम इंडिया में डायरेक्टली खेलना है, वहाँ से आपको कोई खड़ा नहीं करेगा, बोलेगा कि भाई साहब पहले जाओ क्लब लेवल पे बैठ, पहले अपने आप को प्रूफ करो, देन आप आओ आपके क्लब से आपके सिटी, उसके बाद में रणजी, उसके बाद जो प्रोसेस है उससे, उसके बाद आप आना, अगर आप टिक गए तब यहाँ पर। तो वही चीज़ है, पहले 0.7% में आप ये करो, फिर 1:1 जाओ, फिर 1:1, मैं ये नहीं बोल रहा 0.7 को आपको 2-3 महीने करना है, नहीं, एटलीस्ट अ वीक, एक हफ्ते कम से कम इसमें प्रॉफिट बनाना तो सीखो पहले 0.7% में, देन गो फॉर 1%, 2% और 3%, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग का बताऊंगा, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन, व्हाट वी कैन डू कि वी कैन गो फॉर ट्रेलिंग SL, और इसमें काफी पैसा बनता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो हम वो 200 पॉइंट 300 100 पॉइंट जो हम लेते हैं वो ट्रेड आपको किस तरह से लेना है, लेकिन वो आपको मैं चार्ट पे ही समझा सकता हूँ, यहाँ पर नहीं समझा सकता, क्योंकि वो कैसे ट्रेड लेना है वो सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बात को पहले आप समझ जाइए, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ये एंट्री पॉइंट है तो आसपास में जितने नज़दीक आपका स्टॉप लॉस होगा उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, प्लीज़ ऐसा मत करना कि मान लो कि 200 पे एंट्री है, एक मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 100 रुपये और टारगेट 220 रुपये, नहीं, ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। ऐसे कॉल्स भी आते हैं तो ये सब चीज़ों से आप बच के रहिए। और मान लो ये ले लिया और फिर प्राइस 100
100 तो नहीं, 110 आया, तो वहां पे मैंने एवरेज कर लिया। एवरेजिंग दुनिया का सबसे बड़ा पाप है स्टॉक मार्केट के वर्ल्ड में, ठीक है। ये चीजें आपको नहीं करनी है, हम इंट्राडे के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं फिलहाल के लिए, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, मीन्स नहीं करनी है, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड का आप ये चीजें हमेशा ध्यान में रखेंगे। 0.7, 1%, 2%, 3%। आपको मैं एक एक्सेल सीट भी देने वाला हूँ, ठीक है, उस पर उसको आप फॉलो करना ही है आपको, ठीक है। अपने परफॉर्मेंस को डेली उसको आपको ये करना है और एनालाइज करना है कि आप कितना कैपिटल बना रहे हो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे बेबी स्टेप से ही जो है ना कि बड़े बड़े पहाड़ चढ़े जाते हैं। ये याद रखना कि एक एक कदम से ही इंसान हिमालय पे चला जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जेम्स बॉन्ड हम बनने की कोशिश ना करें, एक एक स्टेप लें और फिर हम हिमालय पे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप उस लेवल पे पहुंच गए, लेकिन प्रोसेस को प्लीज़ फॉलो कीजिए।